भारत के इन सात रास्तों पर घूमते हैं भूत, कोई नहीं जाना चाहता अकेले। कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने भूतिया और डरावनी जगहों और रास्तों को लेकर अपने अनुभव साझा किए हैं। फिल्मों में तो कई बार आपने भूत प्रेत आत्माएं और भूतिया रास्ते देखे होंगे, लेकिन अगर हकीकत में ऐसा हो जाए तो? लेकिन आप इस बात को लेकर एकदम बेफिक्र रहते हैं क्योंकि अभी तक भूत प्रेत और आत्माओं को लेकर अभी तक कोई ठोस साक्ष्य नहीं मिला है। लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने भूतिया और डरावनी जगहों और रास्तों को लेकर अपने अनुभव साझा किए हैं। आइए आज हम आपको बताते हैं कुछ ऐसे डरावने रास्तों के बारे में जिन पर आप गए तो आपकी रूह काम जाएगी। आइए आपको बताते हैं ऐसे ही कुछ रास्तों के बारे में। स्टेट हाईवे NH49 ईस्ट कोस्ट रोड। इस हाईवे को ईस्ट कोस्ट रोड भी कहा जाता है। ये हाईवे पश्चिम बंगाल को तमिलनाडु से जोड़ता है। चेन्नई से पांडिचेरी के बीच के रास्ते को काफी भूतहा माना जाता है। इस रास्ते से गुजरने वाले कई राहगीरों ने बताया कि कई बार उन्हें सफेद साड़ी पहने एक औरत दिखाई दी है। रामसी जमशेदपुर NH3- इस हाईवे पर बहुत हादसे होते हैं। इस हाईवे से होकर गुजरने से भी लोगों को डर लगता है। इस हाईवे के दोनों छोरों पर मंदिर हैं। ऐसी जनश्रुति है कि जो भी राहगीर बिना इस मंदिर में पूजा किए इस रास्ते से गुजरता है उसे बुरी आत्माएं तंग करती हैं। मुंबई नासिक हाईवे। इस हाईवे के कसारा घाट को लेकर कई भूती कहानियां प्रचलित हैं। राहगीरों को कभी यहां कट्टे सिर वाली बूढ़ी औरत दिखती है और कभी पेड़ पर बैठा एक बूढ़ा आदमी। दरअसल इस रास्ते के दोनों तरह पेड़ों की वजह से ये रास्ता जंगल सरीखा लगता है, जिस वजह से लोगों को डर लगता है। दिल्ली कंटोनमेंट रोड। लोगों का ऐसा मानना है कि रात के समय सफेद साड़ी में एक महिला यहां दिखती है। इस रोड को भी डरावनी माना जाता है। दिल्ली जयपुर हाईवे। इस रास्ते से होकर गुजरने वाले लोगों ने बताया कि जब वो भानगढ़ किले के पास से होकर गुजरते हैं तब उन्हें अजीब सा अनुभव होता है। इस जगह को लेकर कई डरावने किस्से मशहूर हैं। बेसेंट एवेन्यू रोड चेन्नई। दाश शाम होते ही यहाँ कई डरावने घटनाक्रम होने लगते हैं। कई बार लोगों को ऐसा लगा जैसे किसी ने उन्हें झापड़ मारा हो या किसी ने रास्ते चलते हुए उन्हें उठाकर कहीं और फेंक दिया हो।